नमस्ते। आज मैं आपके साथ एक सिंपल नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि है कॉर्न आलू पोहा। ये रेसिपी तो ज्यादातर हर घर में ही बनती है, तो आज मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो और देर ना करते हुए चलिए इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम 1 कप पोहे को एक छन्नी में लेंगे और उसे चलते हुए पानी के नीचे दिखा के 2 से 3 बार धो लेंगे। हमें इसको सिंपली पानी के नीचे दिखाना है, क्योंकि अगर आप इसमें हाथ लगाएंगे तो पोहा टूट सकता है। अब हम इसे करीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे, जैसे कि अच्छे से सोख होके थोड़ा सा सॉफ्टन होके फूल जाए। अब 15 मिनट हो चुका है, तो चलिए कॉर्न आलू पोहा बना लेते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई को गरम करेंगे और 1 टेबलस्पून तेल डाल के अच्छे से फैला लेंगे। तेल गरम होने पर हम 4 से 5 हरी मिर्चों को बीच में से थोड़ा सा पेयर्स करके डालेंगे, फिर 1/2 टीस्पून राई डालेंगे और 10 से 12 कड़ी पत्ते डाल के थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। फिर 1/2 कप क्यूब्स में कटे हुए आलू डालेंगे और स्टर कर लेंगे। आलू को हमें कवर करके लो मीडियम हीट पे करीबन 50% यानी कि हाफ कुक होने तक पका लेना है। आलू हाफ कुक हो चुका है। अब हम इसमें 2 मध्यम कटे हुए प्याज को डालेंगे और मध्यम आंच पे करीबन 1 से 2 मिनट के लिए स्टर करेंगे, जैसे कि प्याज का कच्चा स्मेल चला जाए। प्याज पक के थोड़ा सा सॉफ्ट और ट्रांसलूसेंट हो चुका है। अब इस वक्त हम इसमें 1/2 कप स्वीट कॉर्न डाल के स्टर करेंगे। फिर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के स्टर करें। और सारे चीजों को मध्यम आंच पे अच्छी तरह से पकने दें। इस बीच स्वाद अनुसार नमक डाल के मिला लें। सब्जियां अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें 1/4 कप रोस्ट किया हुआ मूंगफली डाल के मिला लेंगे। फिर भिगो के स्ट्रेन किए हुए पोहे को हम इसमें डालेंगे और ऊपर से करीबन 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डाल के मिला लेंगे, जैसे कि पोहे को डाल के मिलाते वक्त पोहा ड्राई आउट ना हो। फिर इसमें 1/2 टीस्पून चीनी डालेंगे, 1 टीस्पून नींबू का रस डालेंगे और करीबन 2 बड़े चम्मच बारीकी से कटे हुए धनिया पत्ती को डाल के धीमे आंच पे मिला लेंगे। चीनी इसे एक माइल्ड स्वीटनेस देता है और साथ में नींबू का रस डालने से एक टैंगी फ्लेवर आता है। अब पोहा हमारा बनके तैयार है, हम इसे स्विच ऑफ कर लेंगे। अब इसे आप कवर करके करीबन 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट होने दें, जैसे कि सारा फ्लेवर आपस में मिल सके। फिर इसे एक प्लेट में निकाल दें। और ऊपर से थोड़ा फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट डालें, साथ में बारीकी से कटा हुआ धनिया पत्ती डालें और सेव डाल के गर्मा गर्म सर्व करें। आप चाहें तो टॉपिंग की तरह कटे हुए प्याज, थोड़ा सा शक्कर और नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, आज की ब्रेकफास्ट रेसिपी यानी कि कॉर्न आलू पोहा बनके तैयार है और मैं आशा करती हूँ कि आप इसे घर पे जरूर ट्राई करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और पब्लिश की हुई सारी वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।